मान्य मंत्री महोदय, मैं अगले कहें तब मानूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड एक, चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में 20 कच्ची बस्तियां हैं जो 1999 से पूर्व अवस्थित हैं। इन कच्ची बस्तियों में 3380 परिवार निवासरत हैं, जिनमें वर्तमान में लगभग 13,516 नागरिक निवास कर रहे हैं। खंड दो, उक्त कच्ची बस्तियों में 2,430 पट्टे नगर परिषद द्वारा जारी किए गए हैं। खंड तीन, वंचित रहे शेष निवासियों में से पात्र परिवारों को नियमानुसार आगामी समय में पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ शहर में उक्त 20 कच्ची बस्तियां हैं, कौन कौन सी हैं तथा इनमें से किस किस कच्ची बस्ती में पट्टे सरकार द्वारा कब जारी किए गए? क्या यह सही है कि नगर परिषद द्वारा जारी किए गए 2,430 पट्टों में से कई लोगों के दोहरे पट्टे जारी किए गए? साथ ही उक्त जारी पट्टे 2,430 पट्टों में से कई पट्टाधारी चित्तौड़गढ़ शहर के मूल निवासी न होकर बाहर के बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं? यदि हाँ तो क्या सरकार इन सभी पट्टों की जांच कराकर सही को पात्र परिवार को पट्टे जारी करने का विचार रखती है? एक और बाकी है, बाद में पूछ लो हम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है, अगर किसी भी गैर भारतीय ने या किसी घुसपैठिए ने कूट रचित दस्तावेज के माध्यम से भूखंड आवंटित करवा लिया है, कोई शिकायत प्राप्त होगी, वहाँ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर से उसकी जांच करवाकर उसके अनुसार विधि जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से उसने अगर कोई लाभ प्राप्त किया है उसके लिए भी जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। बाकी हमारे पास जो सूचना है वो हमने आपको बता दी, और बाकी जो परिवार बचे हैं उनके लिए हम शीघ्र ही कोई न कोई योजना बनाकर उनको भी पुनर्वासित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो पट्टे जारी किए थे अभियान में किए थे उसमें किए थे, तो पर्टिकुलरली अपने चेतों को पट्टे दे दिए, जो विचारधारा के अनुसार उन्होंने पट्टे दिए, जो कच्ची बस्ती में जो विचारधारा के अनुरूप नहीं थे उस टाइम उनको पट्टे नहीं दिए, वो सभी 100% वंचित हैं। उनका आप समय बता दें कि हम इतने दिन में या इतने महीने में अपन वो पट्टे जारी करवा देंगे। एक मंत्री महोदय, एक तो आप ये बता दें कि इतने महीने में उनको भी करवा देंगे, क्योंकि उनके जो मिलने वाले थे, उनके चेते वाले थे, उनकी विचारधारा वाले थे, क्यों जिन विचारधारा की सरकार थी उनके अनुसार उन्होंने पट्टे जारी कर दिए, क्योंकि जो हमारी विचारधारा के लोग थे उनको एक भी पट्टा उन्होंने जारी नहीं किया, तो वो पट्टा आप कब तक जारी कर दें उनका समय आप निश्चित करें कि 6 महीने में करेंगे, साल भर में करेंगे, 12 महीने में करेंगे, कब करेंगे, एक तो वो बता दें। दूसरा, नहीं, निर्दलीयों की भी विचारधारा होती है मंत्री महोदय, आप पहले मंत्री रहे हैं, विचारधारा निर्दलीयों की विचारधारा होती है, जब 1,00,000 वोट के जीत के आए हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें। और दूसरी ये है कि आप बांग्लादेशी या रोहिंग्या को जो पट्टे दे दिए, तो मैं खुद ही शिकायत कर रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, जो चित्तौड़गढ़ में ऐसे बहुत से बांग्लादेशी कच्ची बस्ती में बसे हुए बस गए, जो रोहिंग्या वो बस गए, और उनके वहाँ के दस्तावेज आधार कार्ड वगैरह वगैरह राशन कार्ड से बनवा दिए, तो उनके प्रति आप क्या करेंगे, कैसे हटवाएंगे? एक तो उनको हटवाने के करने के, एक उनके खिलाफ उनको पट्टे दे दिए, उनके निरस्त करवाएं, और एक हमारी विचारधारा के जो लोग हैं उनके पट्टे कितने समय में आप दिलवाएंगे? ये विचारधारा मुद्दे माननीय अध्यक्ष महोदय, विचारधारा को अध्यक्ष मनोज जी, विचारधारा को अध्यक्ष जी अच्छी तरह जानते हैं, अध्यक्ष जी इस क्वेश्चन के बाद आपको डिटेल बता देंगे। और बैठिए माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ भाई, माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनिए। मैं आपके मार्फत सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि विचारधारा से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो भी जो भी पात्र भारतीय जो भारत का मूल निवासी है और जिसके पास रहने के लिए कोई भूखंड नहीं है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका हक बनता है कि उसे हम भूखंड आवंटित करें। नंबर दो, आपने जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात की वो मैंने आपसे पहले ही निवेदन कर दिया सदन के मार्फत कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मूल रूप से भारतीय नहीं है, अगर उन्होंने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अनियमितता करके भूखंड प्राप्त कर लिए हैं,
उनके भूखंड निरस्त करने के साथ साथ उनके खिलाफ भी फर्जकारी के मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करने में हम किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे। नंबर तीन, अब अगला प्रश्न आपके, ऐसा बाकी आपके जो पात्र लोग रह गए उनके लिए हम योजना बनाकर यथासंभव 2024 में प्रयास करेंगे कि उनको भी भूखंड आवंटित हो जाए। तीसरा, आपने जो पूर्व में आवंटित में अपने चहेतों और अनचहेतों के बारे में जो सदन को अवगत कराया है, मुझे अवगत कराया है, अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत मेरे पास आएगी तो जिन लोगों ने अपात्र होते हुए भूखंड आवंटित करवा लिए उनके भूखंड आवंटित निरस्त करते हुए जिस भी अधिकारी ने उनको भूखंड आवंटित किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न श्री गोविंद प्रसाद। प्रश्न संख्या 24।